हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्र 22 गणित क्लास 10th के कार्यपत्र है हिंदी मीडियम में 27 अगस्त का कार्यपत्र। तो टॉपिक है इस कार्यपत्र का, वर्कशीट का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, समीकरण का युग है, उसको बदलना है। ठीक है, बदले जा सकने वाले समीकरण। तो दो चर वाले कैसे कैसे है चलिए देखते हैं। हम ये जानते हैं कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप ये होता है ax जमा बी वाई जमा सी बराबर जीरो, जिसमें a और b जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ समीकरण देखने में रैखिक समीकरण नहीं लगते हैं। हाँ, नहीं लगते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन के बाद अगर हम उनको प्रतिस्थापन कर दें तो रैखिक समीकरण में उनको बदला जा सकता है। तो इस वर्कशीट में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे जो रैखिक नहीं दिख रहे हैं उनको रैखिक में बदला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। एग्जाम्पल, 3/x जमा 2/y बराबर 9, 2/x जमा 1/y बराबर 6। हम ये देख रहे हैं कि ये रैखिक तो नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, 1/x जो है यहाँ पे ना, ये 3×1/x है 3/x। हम 1/x को हम क्या करेंगे, p मान लेंगे। ठीक वैसे ये +2×1/y है, तो 1/y को हम क्या करेंगे, q मान लेंगे। p, q, a, b कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए 1/x हो गया a, p हो गया, और साथ में 3 है, तो ये हो गया 3p+2q=9। ठीक इसी प्रकार से 2p+1q=6। तो ये इक्वेशन हम नाम दे देंगे। मान लीजिए अगर आपने इसका नाम एक दिया है, दो इक्वेशन है, तो ये 3 होगी और ये चौथी इक्वेशन होगी। अब हम ये देख रहे हैं कि ये रैखिक समीकरण बन चुके हैं। तो आप किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन या विलोपन। तो चलिए अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3p+2q=9, 2p+q=6। किसी एक को बराबर कर देते हैं, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे q बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें q में 2 है तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अब ये हो जाएगा 3p+2q=9 और 4p+2q=12। अब सिंबल चेंज कीजिए तो ये कट गया, यहाँ आ जाएगा -p, 4 में 3 गया 1 बचेगा 1p, और यहाँ आएगा 12 में से 9 गया 3, इसे कट गया, p का मान आ गया 3। ठीक है, ठीक ऐसे q का मान आ जाएगा, q का मान आप सॉल्व कर लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिएगा। जैसे 2p है, p की जगह क्या हो गया, मैं 4 में डाल देती हूँ, 4 में, तो 2p की जगह 3+q=6, 3 या 4 में डाल सकते हैं इसको। तो q बराबर कितना हो जाएगा, 6/6, q बराबर 0 आ गया, p 3 है, q 0 है। तो हमने देखिए 1/x को p माना था, p की जगह 3 लिख दिया, ध्यान देना है 1/x बराबर 3 हो गया, 3 को 1 कर देते हैं। अब इसको पलट दीजिए सीधे, तो x बराबर हो जाएगा 1/3, या क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे 1/y बराबर q था, q की वैल्यू 0 है, तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से इसको आप कर सकते हैं। जैसे इस वर्कशीट में इन्होंने कौन सी विधि यूज की है, दो विधि होती है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज किया है और हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। तो किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं, कोई मेथड की जरूरत नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4/x-1+2/y-2=4 है, 10/x-1+1/y-2=4 है। हम देख रहे हैं ये चीज सेम है, तो हम क्या करेंगे, 1/x-1 को हम कुछ मान लेंगे p, ऐसे 1/y-2 को हम मान लेंगे q। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 × p, 4p+2q=4, ऐसे 10p+1q=4। 3 और 4 इक्वेशन आ गए, इसको सॉल्व कर लीजिए किसी भी मेथड से। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी और क्यू का मान आ जाएगा, पी और क्यू का मान आ जाएगा, तो 1/x-1 पी था ना, उसकी वाली 1/2 रख दी, ध्यान देना 1/x-1=1/2, इसको सॉल्व कर लेना, ये सही है कि नहीं, अभी हम चेक भी कर लेंगे। उसको पलट दीजिए सीधा, तो x-1=2 हो गया, x=2+1, x=3 आंसर आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x3 y4 यहाँ चेक कर सकते हैं, चेकआउट 4/x3 है, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 2, और प्लस y कितना है 3 है,
तो 3 में से 2 गया 1, 2 प्लस 2 4 आता है। हाँ तो ये आंसर ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है, इस सवाल को आप ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है एक्स वाई नीचे, तो अलग अलग कर दीजिए, दोनों के नीचे 4x के नीचे एक्स वाई और 3y के नीचे एक्स वाई। तो ये देख रहे हैं x से x कट गया, 4/y आ गया। ऐसे ही यहाँ देखिए y से y कट गया, 3/x आ गया। ठीक है, ठीक वैसे 8x के नीचे एक्स वाई कट गया और y के नीचे, तो x से x कट गया, 8/y आ गया, y से y कट गया, ये 1 बचा होगा, 1/x आ। तो ये इक्वेशन भी बन गई उदाहरण 1 की तरह है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन 1 पे। क्या कह रहा है, x और y के लिए हल करना है। 1 का a पार्ट 10/x + y + 5/x - y = 7, ऐसे 15/x + y - 9/x - y = -6 है। ये इक्वेशन हमने लिख ली, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। मान लेते हैं क्यू क्यू की जगह कुछ भी मान लीजिए, 1/x + y को अगर मैं a लिख दूं और 1/x - y को मैं b लिख दूं, चलेगा ना। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 10a + 5b = 7 थर्ड इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 15a - 9b = -6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम किसी एक को बराबर कर देते हैं, इक्वेशन 4 तो यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम b को बराबर करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे ही, इस 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस 5 से इस पूरी लाइन को मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 10 × 90 a जमा 9 × 5 = 45 बी 7 × 9 = 63। अब इस 15 से 5 कीजिए, 15 × 5 = 75 ए -45 बी 6 × 5 = 30। अब देखिए बी को मैंने इक्वल किया ए की जगह, अब हम देख रहे हैं बिना सिंबल के ये तो कट रहा है, इसलिए इक्वल किया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे क्या आएगा, पांच 9 × 7 = 16 ए, यहाँ आ गया 3, इसको तो माइनस करेंगे ना, हाँ 3 में से 0 गया 3, 6 में से 3 गया 3, ए बराबर हो जाएगा 33/165। 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 11 × 11 = 11, 11 × 5 = 55, ए बराबर आ गया 1/5। ठीक है, अब किसी में एक इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए मैंने 3 में रख दिया, 3 से, तो 10a, a की वैल्यू 1/5 + 5b = 7 था, 5 × 10 2 बचाने आते हैं, 5b = 7 - 2, 5b = क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो b बराबर आ गया 5/5 यानी कि 1, b = 1 आ गया। अब हमने किसको माना था, 1/x + y को a माना था, 1/x + y को हमने a माना था, तो a की जगह क्या वैल्यू आ गई, a की जगह आ गया 1/5। अब इसको आप पलट दीजिए, पलटते ही क्या बन जाएगा, ये x + y = 5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक वैसे ही 1/x - y को b माना था, 1/x - y को b माना था, और b की वैल्यू क्या है, a, a को एक लिख दीजिए, क्रॉस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आप पलट भी सकते हैं, बराबर 1 आ गया, ये है इक्वेशन 6। तो 5 और 6 को इकट्ठे लिख लेते हैं, मैं इसको यहां लिख देती हूँ, बराबर 1। और अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ना कि ए बी की वैल्यू, तो ये हम देख रहे हैं कट रहा है, 2x = 6, x = 6/2, x = 3 आ गया। तो किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए, चाहे 5 में चाहे 6 में, हम लिख सकते हैं 6 या 5। ठीक है, 5 में x = 3,
रख दी पर, तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह 3 जमा वाई बराबर 5, तो वाई बराबर आ गया 5 घटा 3, वाई बराबर 2 आ गया। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 ये समीकरण के मान हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का ए पार्ट हो चुका है हमारा, अब इसका हम बी पार्ट करते हैं। बी में यही भी कर सकती हूँ, देखिए अभी इक्वेशन एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। हम देख रहे हैं किसी एक को बराबर कर सकते हैं, मैं वाई को कर लेती हूँ, यहाँ 4 है तो मैं इस इक्वेशन एक को अगर मैं सिर्फ 2 से गुणा कर दूं तो वाई सेम हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, यह आएगा गुणा कीजिए इससे, 3 को 2 से कीजिए, 6x जमा 4y बराबर 4xy, सीधे भी कर सकते हैं और आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब इस ये तो एज इट इज हो जाएगा 9x माइनस 4y बराबर 1xy। आप देख रहे हैं ये इससे कट गया है, आप देखेंगे कि ये 9 और 6 15x बराबर 5xy आ चुका है, क्लियर है। आप इसे काट सकते हैं, y से y काट सकते हैं या कॉमन ले x x काट सकते हैं, कॉमन लेके भी कट जाएगा ये, तो 15 बचा है या 15 के नीचे 5 आ गया, तो y बराबर कितना आया 3, 5 3 15 y बराबर 3 आ गया, आ गया ना 3। b पार्ट करवा रही हूँ मैं पहले का, तो y अगर 3 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, मान लीजिए 2 में रख लीजिए, 2 से तो 9x घटा 4 गुणा 3 बराबर एक्स वाई है, तो x और y की जगह हमने रख दिया 3, कितना आ गया ये 9x और ये 3x हो गया, 3x को लेफ्ट में ले आइए बराबर में 12, 12 उधर चला गया राइट में, तो 6x बराबर 12, x बराबर 12 बटा 6 कितना आया बच्चों, x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आंसर आया। ये आ गया हमारा इतने ही पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 के बी का आंसर, क्योंकि अभी सेकंड और ये भी कराना है ना, सेकंड तो हम नीचे कर लेंगे इसे। अब क्या कह रहा है, ये तो हमने हल कर दिया, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, सिर्फ समीकरण में लिखना है, हल नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। तो हम मान लेते हैं या हम इसको पहले उतार लेते हैं, 16 बटा एक्स जमा 3, फिर क्या है 3 बटा वाई घटा 2 बराबर 5, 8 बटा एक्स जमा 3, 2 बटा वाई घटा 2 बराबर माइनस 1। इतना तो हमने लिख लिया, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो भी आपको नाम देना है दे सकते हैं। अब मानेंगे किसको बताइए, माना 1 बटा एक्स जमा 3 को हम a मान लेते हैं और 1 बटा वाई घटा 2 को b मान लेते हैं, तो ये वाला समीकरण क्या बनेगा 16a, ठीक है 16a ही बनेगा ना, जमा 3b बराबर 5 समीकरण 3। और ये वाला क्या बनेगा 8a घटा 2b बराबर माइनस a, तो ये बन गया समीकरण। बस इतना ही आंसर आपको करना है। अब सेकंड का बी पार्ट देखते हैं, क्या लिखा है एक्स बटा एक्स वाई माइनस 3y बटा एक्स वाई, एक्स 3y, एक्स बटा एक्स वाई माइनस 3y बटा एक्स वाई बराबर क्या है माइनस 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं, 5x बटा एक्स वाई, 5x बटा एक्स वाई जमा y बटा एक्स वाई, वाई बटा एक्स वाई बराबर 3। तो ये है इक्वेशन 1 और 2। हम देख रहे हैं x से x कट गया, एक ऊपर आएगा, y से y कट गया, x से x कट गया, y एक y से कट गया, ठीक है। बचता क्या है हमारे पास, यहाँ 1 और 2 नहीं देते नाम नीचे देंगे, यहाँ बचेगा 1 बटा वाई माइनस 3 बटा एक्स बराबर माइनस 1। और ये क्या बचेगा 5 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स बराबर माइनस 1, ठीक है माइनस 1 है सॉरी 3 है ना यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम मान लेते हैं
माना एक बटा वाई को ए, क्योंकि पहले वाई है, और एक बटा एक्स को बी मान लेंगे। तो क्या बनेगी ये इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक ए या ए माइनस तीन बी बराबर माइनस एक, और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, पांच ए जमा एक बी या बी लिखेंगे बराबर तीन, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही इसको करना है, ठीक है, ये आंसर आ चुका है। लेकिन बेटा आप होमवर्क में किसी क्वेश्चन का सेकंड का बी पार्ट का आंसर बताइएगा कि एक्स और वाई के क्या माना है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।